You are watching educational YouTube channel, Unique Style of Teaching. Chapter number 6 में exercise 6.1 and 6.2 का लोड अपलोड पहले ही हो चुका है. इस वीडियो में 6.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर है जी 2 के 1, 2, 3 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं. इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th और 5th अपलोड करेंगे इंशाल्लाह. Use division method to find the square root of the following expressions. English statement मैं नहीं लिख रहा, direct question लिख रहा हूँ. 4 + 25x² - 12x - 24x³ +16x⁴. सबसे पहले इसको आप अरेंजमेंट में लिखेंगे. 16x⁴ सबसे पहले आएगा, उसके बाद -24x³ होगा, देन 25x² देन -12x देन लास्ट में आपका नंबर आ जाएगा विच इज 4. अब आप एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लें. यहाँ पे प्लस माइनस आप पहले से दे दें, क्योंकि इसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में होता है. सिक्सटीन एक्स फोर रेज पर 4 हमने लाना है. अगर 4x² को 4x² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 16x⁴ मिल जाएगा. आप लाइन लगा के इनका कटिंग करते हैं साइन चेंज करने के बाद. अब ये 4x² को डबल करते हैं मल्टीप्लाई 2 करके, इट इज 8x² और ये -24x³ +25x² और -12x +4 को आप डाउन कर लेंगे. बस ऐसे कुछ इसके ऊपर काम नहीं करना. अभी आपके पास -24x³ चाहिए, 8x² आपके पास मौजूद है. -3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें 3x के साथ, -3x के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो -24x³ आ जाएगा और 3 × 3 = 9 +9² हो जाएगा. अब आप लाइन लगाएंगे साइन करेंगे चेंज, ये इनका हो जाएगा कटिंग बीइंग अपोजिट साइन 24 नेगेटिव और पॉजिटिव, और इनका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, इट विल बी 16x² -12x +4. एज सच आपने उनको डाउन करके लिख लिया है. ये 8x² पहले ही डबल हो कर लिया था, 3x को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 × 2 = 6x. हमने 16x² लाना है, 8x² हमारे पास मौजूद है, प्लस 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 16x² -12x +2 × 2 = 4. लाइन लगाएंगे साइन चेंज करेंगे, उसके बाद इनका कैंसिलेशन हो जाएगा और
रिमाइंडर आपका बचेगा ज़ीरो, तो आंसर दे देंगे प्लस माइनस के साथ 4x² - 3x + 2। अभी आपको मैं फिर विजिबल नहीं था, अभी आपको नज़र आ जाएगा दिस वन, ये आपका आंसर आ गया जी। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑफ जो कि मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट पार्ट है पार्ट 5th। x² upon y² - 10x upon y + 27 - 10y upon x + y² upon x² ये ऑलरेडी अरेंजमेंट के साथ लिखा हुआ है, मैं यहीं इसके ऊपर लगाता हूँ लाइन। लाइन लगाने के बाद यहाँ पे होगा प्लस माइनस के साथ स्टार्ट करते हैं, एक्स अपॉन वाई के साथ करेंगे आप मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई के साथ, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² upon y² आ जाएगा। आप लाइन लगाएंगे, साइन करेंगे चेंज और इनका कैंसिलेशन हो जाएगा और इनको करेंगे डाउन, 10x upon y + 27 - 10y upon x + y² upon x² अभी इसको हम कर लेंगे 2x upon y, ये आपके पास डबल हो गया। अभी हमने -10x upon y लाना है, तो -5 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ भी आप लिखेंगे -5 और ये आ जाएंगे आपको -10x upon y। -5 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर +25 होगा। आप लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 227 से 25 माइनस करेंगे और -10y upon x + y² upon x². अभी आपके पास ये है 2x upon y - 25 से 10 किया है, इसको हमने डबल करना होता है। उसके बाद आप प्लस y अपॉन x के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और अपना आंसर में भी आप देंगे प्लस y अपॉन x और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इनका मल्टीप्लिकेशन किया 2 मिला, उसके बाद -10y upon x + y² upon x². अब लगाएंगे लाइन, लाइन लगे साइन, सबसे पहले करेंगे चेंज। अब ये बीइंग अपोजिट ने साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। तो अब आंसर दे दें प्लस माइनस के साथ x upon y - 5 + y upon x, ये आपका आंसर आ गया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें, वीडियो पे भी कमेंट करें,
वीडियो को लाइक करें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। और अगर आपको माय ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप मेरे सेल नंबर 03215838264 पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।